देखिए मैडम, मैं एक समाज सेवक हूँ और वैसे देखने जाए तो आप पुलिस वाले भी इस समाज का एक हिस्सा ही हो। शराफत सिंगापुर है और क्या है कि आपकी वजह से ही तो शहर में शांति है, हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं और शराफत से बिजनेस भी कर सकते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे, तो मैंने ये एसी लगवा दिए। भाई क्या बात है, कितने उच्च विचार हैं आपके, वरना पुलिस वालों के लिए इतना कौन सोचता है आजकल, है ना। वैसे मैं तो एक बात कहूंगी कि लोग कहते हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पर भगवान ना करे आपको जो है हमारी जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाए तक तक तुम तो भी झिझक जो है आप हमारे पास आइए, आपकी हेल्प करने में हमें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच मैडम। टीटी टिल्लू फ्रॉम कुल्लू, शराफत सिंगापुर है, बहुत खुश हुआ। एनीवेज तो आप लोग ये ठंडी का मजा लीजिए और प्रभु के गुण गाइए। तब तक मैं और बंटी ताश खेलते हैं, कॉफी पीते हैं। हाँ, कॉफी। वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड। कम ऑन, कम टू टू। तू क्यों खड़ा है, मॉर्न इज द, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, फोन इज द, आपको भी तो सुनाई दे रहा है ना भाई, आप उठा लो। मैं यहाँ सीनियर हूँ, फोन उठाओ फटाफट। अच्छा, और आप बैठ के एसी की हवा खाते रहे, है ना। यस, आई विल ईट हवा इज द, हसीना अगर कड़ाही है तो मैं हूँ तवा इज द। मम्मी जी को वो एटीएम वाला केस सॉल्व करने पे ना मंत्री जी इनाम देने वाले हैं 2 अगस्त को, उनसे शिकायत करूंगा तेरी मैं। भैया आप मेरी शिकायत करेंगे तो मैं वहाँ पे चुप खड़ा रहूंगा, किसी की परवाह नहीं करता हूं। मैं रोज सवेरे आता हूं, मैं चाय पीऊंगा, अखबार पढ़ूंगा, जो करना करता हूं। मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूं और यही करता रहूंगा, और मैंने यही काम करने के लिए मैंने खुद में भक्ति हुआ था, और जो भी करना है मैं कर लूंगा। मैं मेरे यही है, मैं सुबह आता हूं और यही काम करता हूं, और डेली खाता हूं, चाहे छोले भटूरे खाऊं, चाहे मैं समोसे खाऊं, चाहे मैं कचौरी खाऊं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, चाहे जो होना हो जाए, जिसने मेरे को करना जो करना कर ले, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। यही गोपी जी। हाँ जी जी मम्मी जी। आप रेपता खाना पसंद करेंगे जी? ना जी जी मम्मी जी। क्या हो रहा है? मैडम भैया से पूछिए ना, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी काम वाम नहीं करते हैं और आके बैठ के यहाँ पे एसी की हवा खाते रहते हैं बस, और अखबार पढ़ते रहते हैं यहाँ पे बैठ के बस। तू क्या करता है यहाँ पे आके, रोज आ जाता है, खड़ा रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं करता? मैं उखड़वा दूंगी यहाँ से सारे एसी और लगवा दूंगी तंदूर। यार एक तो है भला हो एक आदमी का जो लगवा के गया है यहाँ पुलिस की मदद के लिए एसी, कुछ जो है थैंक्स नहीं है यूनिवर्स का कि बिल्कुल ही यहाँ हो रहे हैं सिकंदर एंड पोरस एंड रादर चोरस। वेल बिहेव यार, एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रखो यार, चौकी है क्या है यो? पापू, पापू। कोई एकदम रिग्रेसिव टीवी सीरियल हो रहा कतई, बिल्कुल लड़ रही सास और बहू। व्हाट इज दिस यार? यही समझा रहा था जी मैं। चुप। आइए एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, मैं हूँ टीटी टुल्लू फ्रॉम कुल्लू, शराफत सिंगापुर है। अरे भाई कमाल हो गया, आपकी चमर गिद्ध की उम्र है, अभी आप ही का जिक्र छिड़ा था। भाई चाय मंगा। अरे सर को चाय नहीं पीनी है, बल्कि सर को जो है FIR लिखवानी है। हारमोनियम बज उठा। अरे हारमोनियम तो सही है बज उठा, पर तू कौन है जो बीच में तबला बजा रहा है यहाँ कतई? अरे मैं इनका असिस्टेंट हूँ, परमानेंट हूँ, और मेरा नाम है कच्छू कुमार। हारमोनियम बज उठा।
देखिए मैडम, आपने मुझसे कहा था ना कि टुल्लू जी आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो आप हमें याद कर लीजिएगा। अरे क्या हो गया बताइए, हम करेंगे ना मदद। मैडम बात यह कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम है दीपू। वो है ना बबेरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वहीं पे हॉस्टल में रहता है। तो सेठ जी, इसमें से आपकी समस्या क्या है कि वो हॉस्टल में रहता है, ये आपकी समस्या है, या वो बबेरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये आपकी समस्या है? अरे ये दोनों में से मेरी कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि फोन आया है। उसको? उसको नहीं, मुझको। Well, किसका फोन है आया इसदा? क्या किसी पड़ोसन ने चाय पे है बुलाया इसदा? अदरक बन के घुस लेना चाय में, उबल ले तू, इलायची का फ्लेवर दे दे। तू कप में से झांक ले कतई कि किसने बुलाया अड़ोसन की पड़ोसन। उम्र देख के बात करो यार कभी कभी। सॉरी, कैरी ऑन। तो मैडम बात ये है कि एक फोन आया है और मुझे बताया गया है कि आपके बेटे दीपू को कॉलेज कैंपस में से 2 दिन में किडनैप कर लिया जाएगा। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे बेटे को बचाइए, शराफत सिंगापुर है। आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। हैगो आपने के हिंदी में अनुवाद करके बताइए ना क्या कहा। सॉरी, हम पूछ रहा है कि आप कौन है? मिष्टी दो एक खाता है। हम खाता है? खाता माने सावर जी। वाओ, मिस बैनर्जी, वेलकम। वाह 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 वाह, मिस बैनर्जी, कितना सुंदर है आपका नाम, जैसे साहित्य के बगीचे में काव्य का आम। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। हाय, आई मिस कक्कर, यहाँ की प्रिंसिपल। हेलो मिस कक्कर। ए बाबू मोशाई, मिस्टर शर्मा। नो वे, ये मिस्टर त्रिपाठी है। राम लोटन त्रिपाठी, हिंदी के टीचर है। जी हाँ, मैं हूँ राम लोटन त्रिपाठी, लंबी चौड़ी है कद काठी, अदरों में गजरों में अलकों में पलकों में, इसी खुशी में चलिए ना आइसक्रीम खा लेते। आमी ना कि पागल जे तोर मतन छागल संगे आइसक्रीम खेते जाबो। कितना मीठा बोलती है आप, हिंदी में अनुवाद करके बताइए ना। हियरिंग, हम कह रहे हैं कि आप मिस कक्कर के साथ, जिनका शर्मा नौटी है, उनके साथ आइसक्रीम खा आइए। हम क्लास को जाता है, मिष्टी दोई खाता है। हम खाता है? खाता माने सावन। और इफ यू डोंट माइंड मिस्टर त्रिपाठी, मैं उनकी जगह आपके साथ आइसक्रीम खाने जा सकती हूँ? शर्मा जी बड़े नॉटी हैं। अरे शर्मा जी के साथ ही जाइए आइसक्रीम खाने। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। ये मिस बैनर्जी, एक मिनट मिस बैनर्जी। शर्मा
मामा जी बड़े नॉटी हैं। लड्डू टोपी पहन के ना बूंदी का लड्डू लग रहा है तू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू मैडम। हाउ स्वीट, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए कहाँ थी आप? हम तो कर रहा था किसी का वेट यानी इंतजार। वेल एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू बी योर इंग्लिश टीचर एंड माय नेम इज मिस मून मून बैनर्जी। लेट्स स्टार्ट विथ योर नेम। व्हाट्स योर नेम? क्षमा कीजिएगा, मिस बैनर्जी। देखिए हमारी भी इंग्लिश अंग्रेजी काफी खराब है, काफी वीक है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपकी कक्षा में बैठ जाऊं प्लीज। ओके ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड। एनीवे, यस, वेयर वर वी? योर नेम? मैम मैं हूँ दीपू टुल्लू, सन ऑफ टीटी टुल्लू। पापा पिटाई करते हैं। ओ माय गॉड, किंतु कहनो आपका पापा आपका पिटाई क्यों करता है? ऐसा क्या काम करता है तुम? टेल मी। एनीवे लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू वन क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट शेक्सपियर द ग्रेट? मैम उनके बारे में तो हम बस यही जानते हैं कि वो किताबें लिखते लिखते मर गए और हम पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं। बहुत ठीक करता है तुम्हारा डैडी, तुम्हारा पिटाई करता है। यू आर क्वाइट यूजलेस एंड स्लो एज आई कैन सी। तुम हमारे साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठेगा। वॉच आउट। रियली मैम? यस मैम। यस कैन आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू? यस मैम। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो इंग्लिश में इजहार करना चाहता है तो वो कैसे करेगा मैम? What a lovely question. आज मैं आप लोगों को रोमियो जूलियट का लव के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न डे लव दैट विल आंसर हिज क्वेश्चन आल्सो। लड़का अगर लड़की को इंग्लिश में आई लव यू बोलने को चाहे तो कैसे बोलेगा? लेट मी थिंक। हेलो, वो यहाँ आ गई है। जैसा प्लान है सब कुछ उसी के मुताबिक होगा। यू नो शर्मा जी बड़े नॉटी हैं। भैया
आपको क्या लगता है कि मैडम टीचर बनके इस केस को सॉल्व कर लेंगे? Well, मम्मी जी दुनिया का हर केस कर सकती है सॉल्व इज द, मैं हर हसीना के साथ हो जाता हूँ इन्वॉल्व इज द। मैं थोड़ा एसी का टेम्परेचर और कम करें क्या, थोड़ी गर्मी सी लग रही है ना। या कैरी ऑन। कहाँ की सवारी है? मैडम वो एसी का टेम्परेचर कम करने जा रहा था, थोड़ी गर्मी सी लग रही है। ये एस्किमो हो रहा है तू? हाँ कतई अम्मा थारी पनीर की जगह तैने फ्रिज में रख के भूल गई? देखा है कभी जीवन में एसी जो यहाँ कतई स्विट्जरलैंड बना रखा है, दोनों ने एस चल रही बिल्कुल, कतई मजे आ रहे हैं, बहुत होगी मस्ती, ठंडी हवा के झोंके, काम पे लगो। वहां बात करके आई हूँ मैं कॉलेज में लगो। तू बन के जाएगा पंजाबी का प्रोफेसर, और बिल्लू तू दोस्ती करेगा दीपू से, और उसके रूम में शिफ्ट भी हो जाएगा रूममेट बनके, क्लियर? और वो जो धमकी भरे फोन कर रहा था, कौन से नंबर दे आ रहे थे, किसका है वो नंबर? वो मैडम पता कर लिया मैंने किसका नंबर है, और वो जिसका नंबर है ना वो अभी यहाँ चौकी आने भी वाले हैं। क्या कुछ अब आरके गुप्ता नाम है उनका। ला मैं लगा दूं। आइए आइए। सीना हो गया, क्या हो गया बिल्कुल। हाय आई एम आरके, समोसा गरम है सांवरिया बेशरम है। आरके माने रणबीर कपूर जी? नहीं, आरके मतलब रीना कमल गुप्ता। तो यो जो तीनों व्यक्तिगण है यो तू ही है, रीना और कमल और गुप्ता? जी हाँ मैं ही हूँ। आपने मुझे याद किया, समोसा गरम है सांवरिया बेशरम है। हाँ याद किया है, तुझे अभी जेल में ठूसेंगे, अरेस्ट हिम। लेकिन मेरा कुसूर क्या है? कुसूर? कुसूर आपका ये है कि आपने टीटी टुल्लू जी को फोन किया और उनके बेटे को कॉलेज से किडनैप करने की धमकी दी। जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने ऐसा कोई किसी को भी फोन नहीं किया, कोई भी धमकी नहीं दी। समोसा गरम है सांवरिया बेशरम है। एक्सक्यूज मी ब्रो, जिस फोन से धमकी मिली है वो नंबर तुम्हारे नाम पे ट्रांजिस्टर है। रजिस्टर? या दिस वन। बोलो ये नंबर आपका है कि नहीं? देखो इसे ध्यान से, देखो, बताओ बोलो, बोलना पड़ेगा, अपनी ज़बान खोलो, मुंह खोलो और बताओ ये नंबर देख के। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे छुआ था, मैं माँ हूँ तुम्हारी। अरे बेट यार। अरे पहले मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समोसा गरम है सांवरिया बेशरम है। अबे यो नंबर थारा है कि ना, बता। एक मिनट मैडम, ये नंबर मेरा था लेकिन अभी है नहीं। दरअसल मेरा फोन कहीं खो गया था और उसी फोन के अंदर में इस नंबर का सिम था। समोसा गरम है सांवरिया बेशरम है। तो तने FIR क्यों ना दर्ज कराई फोन खोने की? कैसे करता? अगर FIR दर्ज करवाता तो मेरी बीबी को पता नहीं चल जाता कि मेरा कोई और भी दूसरा नंबर भी है जिससे मैं अपनी आइटम से बात करता हूँ। समोसा गरम है
सावरिया बेशरम है। तो अब आइटम से बात करने के लिए दूसरा फोन नंबर है? नहीं, अब आइटम दूसरी है, अब वो मुझे फोन करती है। अबे बेशरम तू है, और तू सच बोल रहा है या झूठ? यो तो मैं पता लगा ही लूंगी, क्योंकि कानून के हाथ और मारे पांव घने लंबे। फिलहाल निकल, और तुम दोनों कॉलेज जाने की तैयारी करो। ओके।